चौरासी डाके नीचे उतरे जन्म बाई जन्म और नीचे गिर गए। अब क्या करें, अब सीढ़ी ऊपर चढ़नी पड़े तो हम सतो प्रधान बने। कैसे बने? ये ज्ञान शिक्षा पर चढ़ने से सतो प्रधान बने। ये ज्ञान की ज्ञानाग्नि की चिता है। और तमो प्रधान बने काम चित्ता पर बैठने से। ये तो समझ गए ना, तो अब क्या करें? काम चिच्छा से उतर करके ज्ञान चिच्छा के ऊपर चढ़े। क्या 24 घंटे जब कलयुग में नीचे उतर गए अंतिम जन्म में, तो काम की ही आग लगी रहती 24 घंटे। तो अब क्या करें? अब ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि में फिरता रहे, काम विकार की कोई भी संकल्प न चलने पाए। उसके लिए तरीका क्या बताया? कैसे होगा कि हर समय काम शिक्षा से बुद्धि उतर करके ज्ञान शिक्षा पर चढ़ी रहे? उसके लिए तरीका क्या है? हाँ, वो तो ठीक है, अपन को आत्मा समझना है और आत्मा के बाप को याद करना है, लेकिन मनमना भव होना है तो आत्मा के बाप को तो वहां मन है ही नहीं है। मन किसको है? मनमना भव, फिर कैसे हुआ मनमना भव है? तो आत्माओं का बाप जिस मन वाले में दिन वाले में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसका ज्ञान होना चाहिए ना, और पक्का ज्ञान होना चाहिए कि कच्चा ज्ञान होना चाहिए है? पक्का ज्ञान होना चाहिए। कोई पूछे हमें समझाओ तो हम दूसरे को भी बता सके क्या कि ये है शिव बाप का मुकर्रर रथ। जब तक खुद ही नहीं जाना है तो दूसरों को कैसे बतावेंगे? तो बताया, इसके लिए फिर ज्ञान शिक्षा पर चढ़ना पड़े। ज्ञान शिक्षा पर 24 घंटे सोते जागते ज्ञान के ही संकल्प चलते रहे, वो कैसे चलेंगे? बाबा ने मिसाल दिया, अब कपड़ा बेचने वाला होता है ना, सारा दिन क्या करता है? कपड़ा बेचता है, रात में सोते सोते अपनी धोती फाड़ देता है। तो क्या करना है? सारा दिन बाबा की दुकान खोल के बैठना है, सवेरे से लेके शाम तक ओना लगा रहे। खाना भी तब खाना है जब दो चार को संदेश दे देना, और जितना संदेश देंगे जितना ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम बड़े राजा बनेंगे। संदेश दिया माने प्रजा बन गई ना, प्रजा बन गई तो ज्यादा प्रजा बनाएंगे तो ज्यादा बड़े राजा, और थोड़ी प्रजा बनाएंगे तो छोटे राजा। तो होगा क्या उससे? जितना जितना दूसरों को सुनाएंगे है बाप का, एक बाप का दिया हुआ ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो एक से ही आता है, अनेकों से क्या आता है? अनेकों से तो अज्ञान आता है। तो वो एक बाप का ज्ञान जितना जितना सुनाते जाएंगे तो अपने अंदर मंथन भी खूब चलेगा, ज्ञान का ही मंथन चलेगा, दुनियावी बातों का कोई मंथन मंथन नहीं चलेगा।